हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्योर इंडियन प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि वर्ल्ड T20 क्वालिफायर चालू हो चुका है, टीमों के बीच में है, मैंने स्क्वाड बता दिया था। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे सेफ प्लेयर कौन होंगे। आयरलैंड वर्सेस हूँ थाईलैंड वुमेन के मैच का मैं प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। कौन कौन से प्लेयर आप ले सकते हो, कीपर में आप दोनों देख सकते हो, मारा वॉल्डरन और नानापत को दोनों को खिला सकते हो। आप दोनों डेफिनेटली खेलेंगे तो यहाँ पर एक प्लेयर सेफ हो जाते हैं। वहीं पर लॉरा डेनली टीम की कैप्टन है, डेफिनेटली खेलेंगे। सुशीला जॉयस खेलेंगी और सॉन कॉन्गवे, ये तीनों के तीनों आयरलैंड वुमेन्स की तरफ से डेफिनेटली पहला मैच खेलेंगे। आप तीनों को रख सकते हो दोस्तों टीम में, तीनों भी सेफ ऑप्शन है। अब बात करते हैं दोस्तों वहीं पे थाईलैंड वुमेन की तरफ से कौन कौन खेलेगी। चवई खेलेगी, नततम खेलेगी और ये सरनिता संगकोट, थोड़ा रिस्की हो सकती है लेकिन ये दोनों डेफिनेटली खेलेंगे दोस्तों। चंतनम और चवई, जैसा कि हमने देखा था एशिया वुमेन्स में जो मैच चालू था T20, उसमें ये दोनों भी खेल रहे थे तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिल गया इनके बारे में हमें। किम ग्राज, आइस बॉलर जॉयस, गैबी लुइस, ये तीनों के तीनों ऑलराउंडर खेलेंगे आयरलैंड की तरफ से दोस्तों। ये आयरलैंड टीम की बैकबोन बन चुकी हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती, तो उस बेस पे इन तीनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते हो। सरमाना टिपोची, नततम बोचतम और चिनिदा सुतरिंगा, ये तीनों भी ऑलराउंडर डेफिनेटली खेलेंगे दोस्तों। चिनिदा सुतरिंगा थोड़ा रिस्की हो सकती है लेकिन बोचतम और टिपोची डेफिनेटली खेलेंगे। आप दोनों को रख सकते हो टीम में, दोनों भी अच्छे प्लेयर हैं और कंटिन्यू मैच खेलते हैं। वहीं पर गेंदबाजी में आप दोस्तों यहाँ पर ले सकते हो सीरा मेटकाफ को और एमी रिचर्डसन जो डेफिनेटली खेलेंगी। वहीं पर कारा मोरे, लोरा मार्ज, इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है दोस्तों या दोनों भी खेल सकती हैं, तो ये दोनों थोड़ा रिस्की हो जाते हैं स्लाइडली। और वहीं पर मेट कैफे डेफिनेटली खेलेंगी, रिचर्डसन डेफिनेटली खेलेंगे, आप दोनों को रख सकते हो टीम में। अब बात करते हैं दोस्तों थाईलैंड वुमेन की, तो जिसमें से डेफिनेटली खेलने वाली सुजाफी ल्यूमी डेफिनेटली खेलेगी, वंगा लिंग पुरुषत डेफिनेटली खेलेगी, तो उनको भी आप टीम में रख सकते हो। और पाडर उंगलर, उन्होंने भी लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया, तो ये तीन वुमेन हो सकते हैं उनके बॉलिंग गेंदबाजी की तरफ से जो डेफिनेटली खेलेंगे। और तीन ऑलराउंडर है तो छह गेंदबाज इनके पास ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों प्लेयर की। आप कैप्टन वाइस कैप्टन की मैं बात करूँ तो सुदीप ल्यूमर को रख सकते हो आप दोस्तों, एमी रिचर्डसन को गेंदबाजी से रख सकते हो। वहीं पर यहाँ पर ऑलराउंडर में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर है, किम ग्रात को नहीं रख सकते क्योंकि गेंदबाजी अब नहीं करती हूँ, तो गैबी लुइस आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। शर्मिनर टिपोची, ये दो प्लेयर हो सकते हैं दोस्तों। लॉर्ड हेनरी जो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। वहीं पर छोटी टीम के खिलाफ सॉन कॉन्गवे भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकती है क्योंकि ऊपर आती है बैटिंग पे, तो ये आपके दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं। फर्स्ट चॉइस गैबी लुइस, लॉरा डेनली, कॉन्गवे, टिपोचा, लियोमी, रिचर्डसन। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल लॉजिक दूंगा दोस्तों, आप आयरलैंड वुमेन डेफिनेटली जीतेगी क्योंकि उनकी टीम एज़ कम्पेयर थाईलैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उस बेस पे आप टीम बना सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूँ, प्रीव्यू से पहले आपको आइडिया देता हूँ। 6:5 का रेशियो रख सकते हो आप। थाईलैंड के 5 प्लेयर को रखिएगा और आयरलैंड वुमेन के 6 प्लेयर को, या 7:4 रख सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। और स्मॉल लीग में आप ज़्यादा ट्राई करें कि आयरलैंड वुमेन्स की टीम के प्लेयर रखें। जिस तरह से मैंने यहाँ पर टीम बनाया है, नानापत को रखा है, टिपोचे को रखा है, चवई को रखा है, सिद्धू पिल्लो में, अगर गेंदबाजी में चाहिए तो आप एक और थाईलैंड वुमेन्स को ला सकते हो। वहीं पर गैबी लुइस, किम ग्रात की जगह आप सुशीला जॉयस को रख सकते हो क्योंकि वो गेंदबाजी भी करती हैं। कांगवे, जॉयस, डेनली और मेटकाफे, रिचर्डसन, अगर आपको एडिट करना हो इनमें तो इन प्लेयर को भी ला सकते हो दोस्तों। मेरे वॉल्डरन को रख सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको पहले 4 प्लेयर उनके सेलेक्ट करना होगा, तो मेरे वॉल्डरन को रख सकते हो, सुशीला जॉयस को निकाल के नततम चंतनम को रख सकते हो दोस्तों क्योंकि वो ओपन करती हैं, तो उस बेस पे उनको रखा जा सकता है। और सेरेना सिंगापुर को रख सकते हो, वो भी शायद पहले मैच में खेल सकती है लेकिन थोड़ा स्लाइटली रिस्की है। नततम बोचतम खेल सकती है, चिनेदा सतरुंगे खेल सकती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पडुलगढ़ खेलेंगी क्योंकि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी पडुलगढ़ ने, तो उनको आपने देखा होगा दोस्तों। रत्ना पोरन काफ़ी अच्छी गेंदबाज है। वहीं पर लिंक्स पेरक को रख सकते हो, तो ये आपके प्लेयर हो सकते हैं एडिशनल जिनको आप ला सकते हो। वेल्ड्रन को ला सकते हो, न चंदनम को ला सकते हो, सिंगापुर को, नचितम बोचितम को ला सकते हो, सतरंगी थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, लिंक्स पर और पड़ोगला, तो ये सारे प्लेयर को ले सकते हो, इनको भी आप खिला सकते हो दोस्तों क्योंकि प्लेइंग इलेवन में इनके खेलने ज़्यादा चांसेस है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।